उम्मीद जिसकी नहीं थी वही हुआ आखिरकार। टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। तीसरे टेस्ट मैच से पहले बीसीसीआई ने बहुत कुछ प्लानिंग कर ली थी। बीसीसीआई की प्लान था कि टीम इंडिया अब डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच चुकी है, उसके लिए डब्ल्यूटीसी से पहले टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस कैंप का इंतजाम भी बीसीसीआई ने कर दिया था, लेकिन रोहित शर्मा एंड कंपनी ने बीसीसीआई के इस प्लान पर लगभग पानी फेर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया अहमदाबाद का टेस्ट मैच जीते और डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने जाए और बीसीसीआई ने जो प्लानिंग की है उस पर सही साबित हो। तो शुभम देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखिए रोहित शर्मा जो है कप्तान साहब जो है कोट टांगकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लग रहा है पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो जो है ओवल में डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलेंगे, लेकिन बीसीसीआई को भी भरोसा नहीं है। बीसीसीआई ने भी जो है मामला अभी जो है थोड़ा रोक दिया है, क्योंकि सबको यही था कि इंदौर टेस्ट मैच जीत लेंगे और हम लोग डब्ल्यूटीसी का टिकट यहाँ पर फाइनल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदौर में हमारी करारी हार हुई है, हम ढाई दिन के अंदर यहाँ पर मुकाबला हार गए। और आपको एक खबर बता दूँ कि जब हम लोग ऐसी खबर सामने आ रही है जिस तरह की खबर मैं पढ़ रहा था, शुभम में भी वो खबर पड़ी है कि ओवल में जो टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाएगा 7 जून को खेला जाएगा, और उससे पहले जो है भारतीय टीम जो है प्लानिंग कर रही है कि एक प्रैक्टिस कैंप जो है इंग्लैंड के लंदन में करने वाली है। और ये इसलिए करने वाली है क्योंकि वहाँ पर जब आप डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुँचेंगे तब आपको जो है 1-2-3 दिनों का प्रैक्टिस कैंप मिल जाए, जिससे कि आप जो है अपने आप को वहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश कर लें, थोड़ा सा जो खेल है जो वहाँ की कंडीशन है उसमें आप वहाँ जाकर रवा हो जाए। लेकिन जिस तरीके की अभी जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं इंदौर टेस्ट मैच हारने के बाद में अब सारी चीज़ें जो है अब गणित के ऊपर चली गई है। अब गणित ऐसा बनाया जा रहा है जिससे कि भारतीय टीम जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल सकती है। लेकिन अभी बीसीसीआई ने जो प्लानिंग की है, थोड़ा सा बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि क्या प्लानिंग की है, क्योंकि 28 मई के आसपास तो मेरे ख्याल से आईपीएल खत्म हो रहा है। बिल्कुल, बीसीसीआई की प्लानिंग है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले टीम इंडिया एक प्रैक्टिस कैंप करे इंग्लैंड में, जो कि वहां की कंडीशन को अडॉप्ट कर सकें। आपको बता दूं कि 28 मई को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा, 28 के बाद 1 तारीख यानी 1 जून को टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी और वहां पर जाके प्रैक्टिस कैंप खेलेगी, और 5 तारीख को फिर टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी के कैंप में शामिल हो जाएगी और 7 तारीख को मैच खेला जाएगा। आपको बता दूं और इसके लिए मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत भी कर रहा है कि हमें जो है ओवल में जाने से पहले लंदन में हमें जो है 2-3 दिनों का स्टे मिल जाए और वहां 2-3 दिनों के स्टे में हम लोग जो है एक प्रैक्टिस कैंप जो है वहां पर रखें और टीम के सारे खिलाड़ी वहां इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होने के बाद में एक नेट सेशन का दौर चले वहां पर, जिससे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे से वहां पर माहौल को, जो कंडीशन को जो है अच्छे से समझ लें और उनको दिक्कत ना हो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ वहां पर जो है। और बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि उन्होंने ईसीबी से इस बारे में बात कर रखी है और अगले 2 हफ्तों में शिविर के बारे में जो कैंप लगना है उसकी कंफर्मेशन भी टीम इंडिया को यानी बीसीसीआई को मिल जाएगी।